ये जो गाना है देखा जो पब, दोनों जो कलाकार है काफी यंग है और गाना भी काफी सूदिंग है, मतलब दिल को छूता है और लोकेशन भी काफी बेहतर है। चलिए आपको गाना देख के, भाई देखो यंगिस्तान को जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो सब इसमें है। मतलब युवा जो जिस दुनिया में जीते हैं, जो ख्वाब में जीते हैं, देखा है ख्वाब, मतलब युवाओं का जो है वो ख्वाब देखना जो है वो रोज़ का काम होता है, उनका हक भी है और वो ख्वाब पूरे करने के लिए वो मेहनत भी करते हैं। तो युवाओं का युवाओं को भी बहुत प्रेरित करेगा, बहुत पसंद आएगा। और गाना जो जावेद अली साहब ने गाया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उन्होंने अपना बेस्ट गाना गाया अभी तक का, सबसे हालांकि सारे गाने उनके हिट हैं, लेकिन ये उन्होंने एक अलग टोन, यूथ का एक टोन उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो और अभी हम लोग दिलीप साहब और मैं उन लोग बात कर रहे थे कि क्या इत्तेफाक है कि इसी टाइप का गाना 80s में गाया था सिलसिला फिल्म का, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, और उसे लिखा था जावेद अख्तर साहब ने और देखा जो ख्वाब इसे गाया है जावेद अली ने। तो देखिए जावेद जावेद कैसा मिला है, तो मुझे लगता है कि ये जावेद का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत हिट है और चलेगा गाना, और जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है दोनों को मिलाकर, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पसंद आएगा सबको। मुझे नहीं लगता आपको कि बॉबी में जैसे आए थे ऋषि कपूर और डिंपल, बिल्कुल तो ये लड़का वाकई में ऋषि कपूर जैसा लग रहा है, लड़की वाकई में डिंपल लग रही है। और मैं एक बात ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आर विजन ने इसको रिलीज किया, आर विजन, यस हमारा विजन आर विजन, आर विजन ने बहुत ही प्यारी कंपनी है। आर विजन ने अब तक जितने भी म्यूजिक रिलीज किए हैं मेरे ख्याल से उनके सारे म्यूजिक एल्बम हिट हुए, बिल्कुल बिल्कुल, और ये नंबर भी उनका हिट होगा। और सबसे प्यारा तो ये कि देखा जो ख्वाब, ये साउंड इतना प्यारा है, दूसरा जावेद जी ने जो गाया है, मैं इसकी क्रेडिट राइटर को और सिंगर के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर को भी दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आज का जो युग का जो साउंड है और जो म्यूजिक है, जो मेलोडी है, उन्होंने बहुत अच्छा, डायरेक्टर ने तो कमाल कर दिया। जो लास्ट सीक्वेंस उनकी देखी, जो इबादत की उनकी, पूरा जो युथियापा है इस गाने में देखने मिला, जितना यूथ का जो बिल्कुल भाई, मैं तो समझता हूँ कि मुझे तो ज़रूरत है अच्छे दोस्तों की, अच्छी टीम की, अच्छे लोगों की। जो हमारे पुराने कलाकार हैं वो तो हमारी जड़ें हैं ही, नए जो है वो पत्ते हैं, हरे पत्ते, तो जड़ के बिना और हरे पत्तों के बिना पेड़ कभी अच्छा नहीं होता। और जब पेड़ों का मामला आता है तो फिर लोनावला कैसे बच सकता है। और सरपंच साहब, और बस पर फिर आर विजन की दया दृष्टि रहेगी तो हमारे अगले गाने भी उसी में आएंगे। हालांकि इस बार जो लॉकडाउन डॉनलॉग जो मैंने फिल्म की है उसके गाने बिफोर यू भी आ रहे हैं, लेकिन इससे ये सिलसिला शुरू हो गया देखा जो ख्वाब से। इसके पहले भी उस लड़के का गाना इन्होंने रिलीज़ किया था आर विजन ने। आर विजन जो है नए कलाकारों को और खासकर टैलेंटेड कलाकारों को बहुत प्रमोट करता है, तो इसलिए तो कहा गया आर विजन, हमारा विजन, जैसे हमारा बजाज था वैसे हमारा विजन। तो इसको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, ये आर विजन जो है सारे टेलीविजन के आगे निकल जाए और पूरे देश का विजन बन जाए, बिल्कुल रीजन और विजन, हाँ सीजन भी बन जाए और हमें पेमेंट करने का रीजन भी बन जाए। थैंक यू। अच्छा हम लोग जरा एक सेकंड है प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, हम लोग एक बर्थडे केक काट लेते हैं फिर हम लोग बच्चे का बर्थडे। काफी अच्छी तरीके से हुआ, लोनावला में शूट हुआ है, तो क्या कहेंगे सर एल्बम के बारे में, उसके कलाकार के बारे में? सर मैं यही कहूँगा कि मेरी नाज से आज ही मुलाकात हुई है और इन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली हाँ मुझे जस्ट लेटर एक्सप्लेन भी ना, ये गाना रिलीज हुआ है देखा जो ख्वाब, देखा जो ख्वाब, ये मेरे भांजे हैं, इन्हीं का गाना है। ओहो क्या बात है भांजे साहब, आपने तो छा गए भैया, भाई वाह, अरे वाह वाह वाह, चलो मैं इसको रख लेता हूँ। जी सर मैं इतना ही बोलूँगा कि ये जो साहबजादे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, तो मेरी गुड विशेज इनके साथ में हैं। और मैंने गाना सुना है, बहुत ही ज़बरदस्त गाना है, देखा जो ख्वाब, एक गाना आया था देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, भूल भी तो हुए तो कांटे, वो जो भी वॉट एवर इट वॉज देयर, बट ये भी गाना वैसा ही इंशाल्लाह हिट होगा और मेरी गुड विशेज इनके साथ में हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि नाज जी के ये भांजे हैं ये ज़बरदस्त हिट हो जाएं, ये गाना हिट हो जाए, मेरी इनकी इनके साथ में गुड विशेज हैं।
और बाकी तो यह है कि ऊपर वाले ने चाहा तो उम्मीद करते हैं जल्दी से हम लोग ये गाना देखें और आप लोग भी देखें और खूब मज़े करें, इंजॉय करें। हमारे दानिश साहब भी आए हुए हैं। दानिश साहब जो है ना ये बहुत बड़े सिंगर हैं, क्लासिकल और इंडियन आइडल भी कर चुके हैं और दिलीप साहब का तो तारीफ की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो भैया परिवार है। ये 30 साल से जो हंगामा कर रहे हैं और आज तक करते ही आ रहे हैं, 30-35 साल हो गए, 35 साल हो गए हैं, ये किसी को आने नहीं दे रहे, अपनी जगह छोड़ ही नहीं रहे। नहीं, सब अपनी अपनी जगह है, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। दानिश साहब क्या कहते हैं एल्बम के बारे में और जावेद अली सिंगर हैं और जो आर्टिस्ट हैं? देखा जो ख्वाब है, देखो मैं इस एल्बम के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने इतनी मेहनत से ये एल्बम बनाया है और मैं खुद भी सिंगर हूँ तो मैं जानता हूँ कि सिंगर कितनी मेहनत से गाना गाता है। तो मेरी बस ये विशेष है कि ये एल्बम बहुत कामयाब हो और बहुत नाम कमाए। और एक ये जो हाँ इन्होंने बताया कि जावेद भाई ने गाया है, जावेद अली जो सिंगर हैं वो मेरे बहुत ही फेवरेट सिंगर हैं और समझ लीजिए कि मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, सब कुछ हैं। और समझ लीजिए उनकी आवाज़ अगर इनको, इन साहबजादे को मिली है तो ये खुश नसीब हैं और इंशाल्लाह ये गाना बहुत ही सुपर हिट होगा अल्लाह ने चाहा तो। और ये जावेद भाई तो इसमें जान डाल ही दिए हैं और ये बच्चे ने भी बहुत अच्छा काम किया है, गॉड ब्लेस ऑफ देम। उन लोग को बहुत बहुत मेरी गुड विशेस और शुभकामनाएं, जावेद भाई को भी और नाज जी को भी और इनके जो भांजे हैं इनका फैज़ तो नाम ही बहुत प्यारा है, अल फैज़ तो अल्फैज़ मेरी गुड विशेस आपके साथ में हैं। मेरी दुआ है कि आप एक नाम पैदा करो, नाज जी का नाम जो है ना वो सितारों की तरह जगमगा दो, उन्होंने बहुत मेहनत की है आपके लिए। तो अल्फैज़ मेरी गुड विशेस आपके साथ में हैं, गॉड ब्लेस यू। सर मैं कोटा राजस्थान से हूँ। सर मैं कोटा राजस्थान से हूँ, मेरे को एक्टिंग बचपन से बहुत पसंद है तो मैं धीरे धीरे मतलब टिकटॉक के ऊपर रील्स वगैरह, टिकटॉक वीडियो रील्स वगैरह ऐसे करके धीरे धीरे, तो फिर मुझे डायरेक्ट जाके फिर बॉम्बे आने का चांस मिला। फिर धीरे धीरे करके मैंने सॉन्ग्स के अंदर मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिली और फिर मेरे 2 सॉन्ग्स पहले आ चुके हैं, फिर उसके बाद एक थर्ड अपॉर्चुनिटी मेरे को जावेद अली सर के सॉन्ग के अंदर मिली और मेरे को सर बहुत खुशी है कि मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली जावेद अली सर के सॉन्ग करने की। और मैं सांगली से हूँ, प्रॉपर सांगली से हूँ, तो मैं मॉडलिंग, मेरा पैशन मॉडलिंग है और एक्टिंग में तो नॉर्मली ज़्यादा नहीं है, पर ये अपॉर्चुनिटी मिलने से मतलब स्टार्टिंग हुई है मेरी मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों भी। सो मुझे ये सॉन्ग करके बहुत अच्छा लगा, जो जावेद अली सर है उनका सॉन्ग है जो वो बहुत अच्छा है और मतलब कुछ तो मीनिंग है उस सॉन्ग का, इसलिए तो वो इतने आज वन डे में इतना व्यूज मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना अच्छे व्यूज मिलने चाहिए वगैरह। सो थैंक यू। नहीं मराठी मतलब मराठी सॉन्ग्स की है बट ये हिंदी में फर्स्ट प्रोजेक्ट है। और ये तो क्या प्लानिंग आगे करियर को लेके क्या करना चाहते हैं और जो इस एल्बम से जुड़े लोग हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर और जो जिसमें सपोर्ट करते हैं क्या करेंगे सपोर्ट के? सर मेरा आगे लेके भी एक्टिंग का है बट मैं पहले ग्रेजुएशन कम्प्लीट करूँगा फिर उसके बाद वापस इसको एक्टिंग को ही कंटिन्यू करूँगा। और इनके जो मेरे कोरियोग्राफर सर थे कौशल शेख जी, उन्होंने बहुत अच्छा कोरियोग्राफ करा है सॉन्ग को और उनसे हमें बहुत एक्सपीरियंस मिला। और हमारे जो नाजमा मैम का उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। जो फर्स्ट तो सपोर्ट नाजमा मैम, वासिम सर, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और जो कौशल सर है उन्होंने बहुत मतलब कि हर एक चीज़ समझा के बताया है कि है ना कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। और ये सॉन्ग बहुत अच्छा है और प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को भी, जो आरबी जन है जो उस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब मिलना चाहिए। थैंक यू।